तो चलिए देखते हैं, ये हमारा अल्टरनेटर, ये हमारा सेल्फ। तो चलिए, हमने कहा था आपको फ्यूज एंड रिले के बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वक्त आने पे आपको काम आएगा। तो ये देखिए, ये देखिए स्टार्टर सोलेनोइड, ग्लो प्लग, रेडिएटर फैन रिले, स्टार्टर रिले, मैन रिले, रेडिएटर फैन, ग्लो प्लग, फैन कंट्रोलर, रेड ब्रेक स्विच, ECU2 ECU1। तो पहले जो सोलेनोइड आपको दिख रहा है, वो पहले फैन रेडिएटर की जगह आता था। जो आपको स्टेटर सोलेनोइड का दिख रहा है 20 नंबर, वो आपका ग्लो प्लग में आता था। ये अभी मॉडिफाई कर किया गया है, जैसा जहाँ तक कि हम बताना चाहते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका स्टार्टर सोलेनोइड का है, ये पहले यहाँ पे आता था 20 नंबर, 20 एम्पियर का। इसे मॉडिफाई करके इसका ये जगह दिया, ये इसका ये जगह दिया। तो ये है आपका स्टार्टर सोलेनोइड। अगर यहाँ पे सर्किट ब्रेक होता है सेल्फ में, कहीं भी ओवर हीटिंग या कुछ भी होता है, तो आपको यहाँ फ्यूज उड़ा देगा। ये है ग्लो प्लग रिले, ये है रेडिएटर फैन रिले। इसी पे टाइम स्विच कहता है कब फैन चलना है। जब ज़रूरत होता है, इंजन हीट होता है, ओवर हीट होता है, तो इसी इसमें सिग्नल देता है और ये अपना अलाव कहता है, तो फैन चलता है ये फैन, और इंजन ठंडा कहता है। जैसा कि आपको मालूम, ये इंजन वाटर कूल है। ये आपका बीच वाला हो गया स्टार्टर गीले। जब आप इग्निशन ऑन देंगे तो ये गीले एक्टिव होता है। उसके बाद जब हम लोग चाबी फिर से घुमाते हैं, तो ये सप्लाई दे करके सेल्फ को चलाता है, तो इंजन स्टार्ट होती है। ये हमारा मैन रिले ब्लैक। ये रिले जैसे इग्निशन देते हैं, ये एक्टिव हो जाता है और हमारा बहुत सारा फंक्शन ये एक्टिव कर देता है। बहुत सारा फ्यूल पंप, ECU, बहुत सारा ग्लो प्लग, सब को ये पावर सप्लाई कर देता है। और ये हमारा 15 एम्पीयर रेडिएटर फैन। अगर फैन शॉर्ट सर्किट होता है या पंखा नहीं रुक गया, तो ये रिले आपका उड़ जाता है। अगर पंखा नहीं चल रहा है, तो एक बार ये ज़रूर देखें। जैसे स्टार्टिंग गाड़ी चल रही है और चलते चलते बंद हो जा रहा है, तो आप एक बार ज़रूर देखें इसे। इससे क्या होता है, अगर इन्वर्टर इंजन हीट होती है, बंद हो जाता है, चलते चलते बंद था, एक बार ये ज़रूर देखें आप। हो सकता है ये फ्यूज कट गया होगा, इसके कारण ओवर हीट का पंखा चालू नहीं हो रहा। अगर आपका फैन अच्छा, अब चलिए आपको फ्यूज के बारे में बताते हैं। तो अगर कभी भी आपका गाड़ी चलते चलते बंद हो जाता है, और तो एक बार इसे ज़रूर देखें, एक्सलेटर काम नहीं कर रहा या चलते चलते बंद हो जा रहा, तो एक बार इसे ज़रूर देखें। ये फ़ैन का रिले है, फ्यूज है। एक बार इसे ज़रूर देखें, ये फ़ैन का फ्यूज है। अगर ये कट जाता है तो फैन नहीं चलता है तो इंजन ओवर हीट हो जाता है। तो एक बार इसे ज़रूर देखें। ये ग्लो प्लग का फ्यूज है, शॉर्ट सर्किट होता है। ये ग्लो प्लग आप जानते हैं, ये ग्लो प्लग इसलिए दिया है, मतलब अभी फ़िलहाल धनबाद, झारखंड या बिहार या बंगाल, इस तरह में ग्लो प्लग ज़रूरत नहीं है गाड़ी में, लेकिन फिर भी इसे दिया गया। ये ठंडे इलाके में काम करता है, लेकिन फिर भी गाड़ी को एडवांस बनाया गया तो ये दिया है ग्लो प्लग। ये सर्दी में ज़रूर काम देगी आपको, ठंड आने वाली है और इंजन को हीट करके जल्दी स्टार्ट करने में मदद करती है। ये फैन कंट्रोलर है, ये रेड ब्रेक स्विच है। ये रेड ब्रेक स्विच 15 एम्पीयर का, अगर ब्रेक का कोई भी तार कट गया या शॉर्ट सर्किट होता, तो ये उड़ा देता है और गाड़ी आपका चालू होगा ही नहीं। ये ECU को प्रोटेक्ट करने के लिए ECU2 ECU1। और एक इसका शॉर्ट टर्म बताऊंगा बहुत जल्द में, और अगर बहुत ही
मतलब कम समय में वायरिंग को देखने का, फॉल्ट पकड़ने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, शॉर्ट तरीका है जो हमने खुद ही ईजाद किया है ये, और बहुत चलता ही है। तो ऐसे ही देखते रहिए और हमारे आप और दूसरी बात, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप बेसिक्स का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से में बने रहें, सब्सक्राइब करें, और साथ में साथ ही अपने मैकेनिक दोस्तों को भी साथ साथ अपने मैकेनिक दोस्तों के पास भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं।